हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें साथ में एक बेल आइकन होता है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए। इससे जो भी मेरी नई वीडियोस अपलोड होंगी वो आपकी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो आराम से देख सकेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस मेकअप लुक के बारे में जो कि मैंने कर रखा है। अगर देखो तो ये मेकअप बहुत हल्का मेकअप है, बहुत सिंपल मेकअप है, चाहे वो मेरे आईज़ का हो, फेस का हो, लेकिन देखने वाले को लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया है और बहुत अच्छा मेकअप किया है। तो इस मेकअप से आप अपना एक अलग लुक क्रिएट कर सकते हैं आप डेली लाइफ में करके। और ये लुक ऐसा लुक है कि जो कि ना तो ज़्यादा लगता है ना ही लगता है कि आपने मेकअप नहीं किया। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप ही ऐसा मेकअप कीजिए जिससे सब तारीफ़ करें आपकी और आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगे कि हाँ भाई आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और इस लुक को देखते हैं हमने कैसे क्रिएट। पहले मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है और अपने लिप्स पे बाम लगा लिया है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप होगा प्राइमर, जो कि हमारा प्राइमर एक बेस का काम करता है और हमारे मेकअप को सेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो हम पहले सबसे पहले प्राइमर लेते हैं थोड़ा सा, पूरे हाथ पे स्प्रेड करके अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए। मेकअप भी अच्छे से टिका रहेगा और आपका मेकअप का फ्लो भी अच्छा आएगा। उसके बाद मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की सीसी क्रीम। ये सीसी क्रीम हमारा फाउंडेशन का भी काम करती है और हमारे मेकअप को सेट करने में बहुत हेल्पफुल होती है और इससे इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। जरा सी सीसी क्रीम ले रही हूँ मैं और अपने फिंगर टिप्स पे को डैप डैप करके लगा रही हूँ। इसको सब तरफ स्प्रेड कर लीजिए हाथ से, अपने फिंगर्स से। जो कि बिगनर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, अगर वो बीबी क्रीम भी यूज़ करना चाहते हैं तो बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, स्विस ब्यूटी का कंसीलर। आप इसे लगाइए, स्प्रेड कीजिए और ब्रश से इसको स्प्रेड कीजिए, क्योंकि इससे ब्रश से ही बहुत अच्छी इसकी कवरेज आती है और बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है। अब आपका बेस मेकअप रेडी हो चुका है। अब आप इस पर अपने बाकी मेकअप कर सकते हैं। अगर आप हल्का रखना चाहते हैं तो इस पर बस हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाइए, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाइए और आप रेडी हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा अच्छा और तैयार होना है या और अच्छे कोई पार्टी में भी जाना है तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट, बेसिस कैनेडा का कॉम्पैक्ट। बेसिस कैनेडा का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं। इसे भी ब्रश से स्प्रेड करूँगी। अब मैं ले रही हूँ ब्राउन आईब्रो पेंसिल अपने आईब्रोज को अपलिफ्ट करने के लिए। अब मैं यूज कर रही हूँ आई शेडो पैलेट, नायका का आई शेडो पैलेट। इसका मैं लाइट कलर लूंगी क्योंकि जब हमें आई शेडो लगाना है तो हमें सबसे पहले लाइट कलर लेना है जिससे कि हमारी आईज का बेस बन जाए। इसे पूरी आईलिड पे स्प्रेड कर लीजिए। जितना अच्छा आप स्प्रेड करेंगे उतना अच्छा इसकी कवरेज आएगी और उतना अच्छा आईज का लुक आएगा। और हल्का हल्का इसे अपनी आईलिड पूरी आंखों के वहाँ पर भी कवर कर लीजिए ताकि जो आप डार्क शेड लगाएंगे जब तो ये बहुत अच्छी लुक देगा। ये देखिए, अब मैं इसी का ही डार्क शेड लगाऊंगी ताकि मेरी आंखें और आईज मेरी बहुत और भी ज्यादा इनहेंस हो जाए। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए। कितना अच्छा लुक दे रहा है। आई मेकअप हो गया है मेरा, मैंने इसको डार्क ब्राउन शेड दिया है आईज को। अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर। आईलाइनर लगाना है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का आईलाइनर।
आईलाइनर जब भी स्टार्ट करें अपनी आईज की बीच में से स्टार्ट करें, आईलिड के बीच में से। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी। मैबेलिन का मस्कारा बहुत अच्छा है, इससे लैशेस बहुत ब्रॉड और बहुत वाइट दिखती हैं। अगर आपको आर्टिफिशियल आईलैशेस नहीं लगानी है तो आप इसे प्रेफर कीजिए, ये बहुत अच्छा है। अब मैं लगा रही हूँ ब्लशर। ब्लशर हमेशा ऊपर वाली स्ट्रोक्स तक लेकर जाइए, जिससे फेस भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, वही मैंने ब्लशर अपने नोज़ पे भी, नोज़ के टिप पे भी लगा लिया है। थोड़ा सा चिन पे लगा लीजिए और थोड़ा सा फोरहेड पे लगा लीजिए। जो भी आपका बचा हुआ होगा ब्रश में वो लगा लीजिए। अगर आपको लगे कि आपका ब्लशर ज़्यादा लग गया है तो थोड़ा सा उसे अपने कॉम्पैक्ट के स्पॉन्ज से थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए। बहुत ही हल्का हाइलाइटर लगाइए, क्योंकि हमें ज़्यादा गॉडीनेस नहीं दिखाना, क्योंकि हम कोई फंक्शन में या पार्टी में नहीं जा रहे हैं। हाइलाइटर हमारे चिक बोन पे होना चाहिए, हल्का हल्का सा टिंट देने के लिए, बस हल्का हल्का सा टिंट देने के लिए होना चाहिए बस। ये हल्का सा नोज पे भी लगा लीजिए और लिप्स के पॉइंट पे, बस दैट्स इट। अब हमारा रह जाता है लिपस्टिक। मैं ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की 9 to 5 लिपस्टिक, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लंबे टाइम तक बनी रहती है। ये लिप्स को मॉइस्चराइज भी करती हैं, इसमें मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छा है कि आपके लिप्स कभी भी सूखेंगे नहीं, मैट लुक नहीं देंगे। आपको मैट लुक दिखेगी, क्रीमी मैट लुक दिखेगी, लेकिन ये लिप्स को बहुत अच्छा हाइड्रेट भी रखती है और इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। तो इस तरीके से मैंने अपना मेकअप कर लिया है। तो आप देखिए, मैंने हेयर बन अपना पहले ही बना लिया था, तो वही बना रखा है। इयररिंग्स मैंने पहन लिए हैं और मैंने एक छोटी सी बिंदी लगा ली है। तो इस तरीके से हमारा मेकअप कम्प्लीट हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय।